हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। मैं सुमन कानपुर से माँ क्रिएटिव गार्डन में आप दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों देख रहे हैं, मैं ब्रह्मी लेकर के आई थी, तो मैं इसको टब में जा रही हूँ लगाने। टब में लगा करके क्या है, इसमें मैंने कोई छेद नहीं किया है, क्योंकि इसमें पानी में ही ग्रो होती है। और पानी में ग्रो में होने के बावजूद भी मैं इसको सिर्फ मैं मेडिसिनल पर्पज़ से लेकर के आई हूँ। और ये दोस्तों बहुत अच्छी है मेडिसिनल में, क्योंकि ब्रह्मी आंवला सिका का ही जैसे नहीं बोलते हैं, तो ये ब्रह्मी मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ इसमें ला करके, कि ये जो दोस्तों है कि इसमें कोई लो केयर, कोई मेंटेनेंस नहीं, ना कोई ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है, कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें थोड़ा सा सॉइल में मैं इसको मिक्स किए दे रही हूँ। इसमें बस इतना ज़रूर मैंने किया कि थोड़ी नीम की खली डाली है, थोड़ी जो है ये बर्मी कंपोस्ट डाली है, और इसकी जड़ें थोड़ी थोड़ी देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें दवा दी है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन में जा कर के घंटी को प्रेस कर लें। और दोस्तों ये मेडिसिनल वैल्यू इसमें इसीलिए है कि आंवले उसमें नारियल के तेल में इसको क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को इसमें नारियल के तेल में पकाने से, और उसमें आंवले की दो चार कलियां डाल दें उसमें कूट करके, या ऐसी थोड़ी सी मेहंदी उसमें डाल दें, बालों के लिए बहुत अच्छी रहती। कुछ जो है हिबिस्कस के फूल जो होते हैं वो डाल दें उसमें, फूल ना मिले तो आप जो है हिबिस्कस की जो है गुड़हल की पत्तियों को डाल दें उसमें। और मेहंदी इन दिनों में खूब मिल रही होगी दोस्तों, जगह जगह लगी मिलेगी दोस्तों। ये 8 दिन के बाद का ये देखिए अपडेट है। और दोस्तों तेल में जाकर के उसको पका लें, कुछ मेथी के दाने डाल करके। ब्रह्मी बालों के लिए बहुत अच्छी होती, झड़ने से रोकती है, बेसमय होने से, सफ़ेद होने से बचाती है। और दोस्तों ये देख रहे हैं 8 दिन का अपडेट है इसके बाद में ब्रह्मी में। और इस साइड में ये रखा हुआ है आपका ये तालाब में जो होती जलकुंभी, ये देखिए ब्रह्मी को कितना अच्छे ढंग से। ये 8 दिन के बाद का अपडेट मैं दिखा रही हूँ, ये दोस्तों मैं दिखा रही 15 दिन के बाद का अपडेट। इसमें सिर्फ पानी की आवश्यकता रहती है और कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसमें छेद ना करें और घर में लेकर के लगा लें, क्योंकि बारिश में बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और दोस्तों आप अपने अपने घरों में हरियाली देखने में ही आँखों में बड़ा सुकून मिलता है। और चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें दोस्तों। और बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।